24/10/2022। दोस्तों, सुबह 8 बजे का ये वीडियो है। मालेगांव 40 गांव फाटे की चढ़ान के ऊपर का ये वीडियो है। आज भी हादसा रुक नहीं रहा है। हादसा जो है मालेगांव के इतराफ में हाईवे से लगकर रोज़ाना एक न दो हादसे होते हैं। दोस्तों, ये ट्रक जो है मालेगांव से धुलिया जा रहा था। धुलिया की ओर जाते जाते अचानक से कोई बाइक सवार को बचाने के लिए उसने कोशिश किया और गाड़ी उसकी बेकाबू हो गई और पलटी हो गई। दोस्तों, ड्राइवर और किन्नर दोनों ज़ख्मी हुए और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मंजर आम पर वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से ये गाड़ी पलटी हुई है, वो किसी को बचाने के लिए पलटी हुई है। आज हाईवे पर मोटरसाइकिल सवार लोग जो है वो एहतियात ज़रा भी नहीं करते, किधर से किधर भी निकल जाते हैं और कहीं से कहीं भी रास्ता पार करने की कोशिश करते हैं, जिसके सबब हादसा सामने आते हैं। दोस्तों, ये हादसा भी कुछ इसी तरीके से हुआ कि किसी मोटरसाइकिल सवार को ये भाई बचाने के लिए कोशिश कर रहा था और नहीं बचा पाया, उसको उसमें उसकी गाड़ी पलटी हो गई। मोटरसाइकिल सवार तो अपना निकल गया, लेकिन ये गाड़ी जो पलटी हुई, इसको एक बच्चे ने चश्मदीद गवाह है, जो आपको आगे वीडियो में दिखाई देगा, उसने देखा और उसने बताया कि ये अचानक से गाड़ी टर्न मार दिया। अचानक से जब गाड़ी के टर्न मारा और गाड़ी पलटी हो गई, वो बच्चा देखा लेकिन डर कर भाग गया और भाग कर फिर वापस आया और हमें सारी बयानी बताई। फिर हमने पूछा उससे कि आप इस इतनी सुबह सुबह इस रोड पे पैदल क्या करने निकले थे, तो वो बच्चे की बात सुनकर हमारी आंखें नम हो गई। दोस्तों, आप वीडियो में सुनोगे कि कितना सा बच्चा है और कितनी दूर वो रोज़ी रोजगार के लिए निकला है। रोज़ी रोजगार के लिए आज मालेगांव से वो धुलिया जा रहा था और रास्ते में ये सब मामला देखा और देखने के बाद हमको बताया कि इस तरीके से हुआ। फिलहाल जो ड्राइवर और किन्नर है, उनको जगह पर मौके वारदात पर एम्बुलेंस बुलाई गई और एम्बुलेंस बुलाने के बाद में जो है उनको दवाखाने की तिब्बी मदद के लिए भेज दिया गया। मौके वारदात पर पुलिस भी आ गई और पंचनामा वगैरह का काम शुरू कर दिया। देखने में ये आता है दोस्तों कि आज हाईवे जो है तो हादसा से रुक नहीं रहा है और लोग एहतियात नहीं करते। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर है एहतियात। एहतियात करना चाहिए। हाईवे पे तमाम चलने वालों को मैं बार बार इसी बात की ये करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि बहुत सावधानी से कह चले और सावधानी बरके और देखे किस तरीके से मामला हो जाते हैं। होनी बोल कर नहीं आती, किस तरीके से आएंगी हम भी नहीं बता सकते, लेकिन हमारा काम है कि हम अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और बहुत ही ज़िम्मेदारी से सफ़र करें। अगर आपको कहीं जाना आना है तो बहुत ज़िम्मेदारी से जाए, ज़िम्मेदारी से आए, क्योंकि मामला कब कहाँ क्या हो जाएंगे ये बोल नहीं सकते। देखिए ये बच्चे ने क्या क्या बातें हमें बताई, आगे आप वीडियो में पूरा देखिए। अच्छा, हाँ, मैं भाग गए नीचवा तो तेरे सामने वो जब देखे रहो ऐसा। हाँ, मैं भाग गए वो लोग का हुआ बच्चा ऐसा, फिर बाद में आगे देखे। चलो ठीक है, बड़ा भाग गए नीचवा। नाम है तय, कहाँ के रहने वाले? किले में। किले माले गाँव के रहने वाले? तो इतना जा कहाँ रहे बेटा? धुलिया में। धुलिया कहाँ करे जा रहे? अम्मा जमा करा तो बंगार। बंगार जमा करा थे? बंगार चुना थे या खरीदा थे? खरीदा थे। खरीद के बेच डाला थे? यानी पैसा वही देवा थे, बस माल बेच के मुझे के 3-100 बचा करो। अच्छा, और फिर तो कई बजे तक रिटर्न आवा थे? मैं 4, 4:30, 5 बजे आ जाती हूँ। रोज आना जा रहा? हाँ, अभी 10 बजे यानी अम्मा ये शुरू कर दू। फिर कितने बहन भाई हो? हम लोग 7 भाई हैं। छोटे बड़े? मैं 7 नंबर। अच्छा, दोस्तों आपने देखा कि ये बच्चा कितना मेहनती है और कितना मेहनत कस है। ऐसे बच्चों को मैं सलाम करता हूँ जो मालेगांव से धुलिया रोजी रोजगार के लिए जाते हैं और अपनी रोजगार को हासिल करके फिर वापस आते हैं। तिजारत में बरकत है ये सारी दुनिया जानती है। ये बच्चा 200-300 रुपये की रोजी करने के लिए मालेगांव से धुलिया जाता है और धुलिया से मालेगांव आता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे शेयर करना और चैनल को